अगर बच्चों में कटे होठ या जो तालू होते हैं उसकी प्रॉब्लम हो तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो काफी परेशान होते हैं ये सोचकर कि आखिर ये जो प्रॉब्लम है वो क्यों हो गई एंड इसे कैसे ठीक करना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि अगर कटे हुए होठ है या फिर तालू है तो हमें इसका जो इलाज है वो कब करवा लेना चाहिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कटे होठ एंड तालू के बारे में कि इसके होने के क्या कारण है एंड इसका क्या इलाज हो सकता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसका जो इलाज है बच्चों में कब करवा लेनी चाहिए, कब इसका ट्रीटमेंट अगर आप करवा लेते हैं तो वो बेस्ट होता है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सो गाइस, ये जो कटे होठ या जो तालू होते हैं इसे मेडिकल टर्म में क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। जो इमेज में देख सकते हैं, जो होठ होती है, जो लिप होता है, ये जब कटते हैं तो जो नेजल होती है, जो हमारे नाक होती है, उसके ओपनिंग से ये कनेक्टेड हो जाता है। एंड ये वन साइडेड भी होता है एंड बोथ साइडेड भी होता है, यानी कि इसमें देख कर समझ पा रहे होंगे कि एक तरफ हो सकता है आपके चेहरे के या फिर दोनों तरफ हो सकता है। जो पैलेट होती है वो अंदर से जो सॉफ्ट पैलेट होती है उसमें कट हो जाती है। एंड ये जो प्रॉब्लम है बच्चों में बाई बॉर्न होता है, यानी कि जन्म से होता है। तो चलिए अब इसके कारण के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसके होने के क्या कारण है। सो गाइस, ये जो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट होते हैं, यानी कि कटे होठ एंड जो कटे तालू होते हैं, इसका साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम होती है बच्चों में किस कारण से होती है। बट कुछ सम ऐसे चीज़ें हैं जिसके कारण ये हो सकती हैं। फर्स्ट है जेनेटिक, यानी कि अनुवांशिक। अगर पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम है, चाहे वो माता हो या फिर पिता हो, दोनों में से किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की, तो चांसेस होते हैं कि उनके आने वाले बच्चों में भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या फिर फर्स्ट चाइल्ड हुआ हो और पहले बच्चे में क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की प्रॉब्लम है तो उसके जो सिबलिंग्स हैं, यानी कि अगर दूसरा बच्चा होने वाला है, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि बच्चे में ये हो सकती है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये हेरिडिटिक होती है, यानी कि अनुवांशिक होती है, जनरेशन टू जनरेशन ये जाता है। दूसरा कारण होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ अगर बहुत ज़्यादा किसी मेडिसिन का ओवरडोज ले ले तो ओवरडोज की वजह से भी ये प्रॉब्लम बच्चों में हो जाती है। जब बच्चे डेवलप करते हैं अंदर तो उस वक्त किसी तरह की परेशानी आ जाती है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो होता है इसकी अगर मदर को डायबिटीज़ हो, प्रेगनेंसी के दौरान अगर डायबिटीज़ हो तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम बच्चे में हो सकती है। नेक्स्ट है कि मदर में बैड हैबिट्स हो, स्मोकिंग यानी कि सिगरेट पीने की या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्रिंक करने की, तो उस कारण से भी ये प्रॉब्लम होती है। सो गाइस, ये जो प्रॉब्लम है, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है बहुत एडवांस हो चुकी है। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होती है उसमें जब आप अपने गायनों के पास जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे जांच करवाए जाते हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि बच्चे में इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर होती भी है तो इसके जो ट्रीटमेंट होते हैं या फिर जो सॉल्यूशन है आपके गायनों आपको जरूर बताएंगे। आपको ये जांच करवा सकते हैं, जांच वगैरह करवाई जाती है जिससे आसानी से ये पता चल सकता है। तो अगर इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, अगर न्यू बॉर्न बेबी है, बहुत छोटा सा बच्चा है, तो उन्हें फीड करने में प्रॉब्लम आती है, यानी कि दूध पीने में प्रॉब्लम आती है। बच्चा अगर जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वो खाता है, फूड ले रहा है, चाहे लिक्विड ले रहा है, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। अगर पैलेट में दिक्कत है तो भी वो अच्छे से खाने को नहीं ले पाता है, उन्हें निगलने में परेशानी आती है, बोलने में परेशानी आती है। इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो नाक से बोलते, नेजल स्पीकिंग वॉइस उनकी हो जाती है। कान में बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है, क्रोनिक इन्फेक्शन होते रहते हैं। साथ ही साथ इस तरह के बच्चे में जो दांत होते हैं उनमें कैविटी, यानी कि दांतों में सड़न भी बहुत जल्दी होती है, और तो डोंटिक प्रॉब्लम भी होता है। जो दांत है वो आड़े टेढ़े आते हैं, प्रॉपर पोजीशन पे नहीं आते हैं। एस्थेटिक प्रॉब्लम भी आता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे कि ट्रीटमेंट इसके लिए क्या दिया जाता है। तो अगर क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए सर्जरी की जाती है। एंड सर्जरी के द्वारा ये जो कटे हुए पोर्शन होते हैं उन्हें आसानी से रिकवर कर दिया जाता है,
फिर कोई देख कर आप बता नहीं सकते हैं किस तरह की प्रॉब्लम। सर्जरी बहुत ही अच्छे से की जाती है जिससे फेस भी बहुत अच्छे से सुंदर हो जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि आखिर ये जो ट्रीटमेंट है हमें बच्चों में कब करवा लेनी चाहिए। तो आपको बहुत छोटे बच्चे में नहीं करवाना है, जैसे न्यू बॉर्न बेबी है उतने छोटे बच्चे में भी आप नहीं करवाइए। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें 3 to 6 months में भी आप करवा सकते हैं। इसके लिए आपके जो डॉक्टर हैं आप उनसे ज़रूर कंसल्ट करिए, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको सही एडवाइस देंगे। 3 to 6 months में इसकी सर्जरी हो सकती है एंड नहीं तो आप जब बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाए तो भी आप करवा सकते हैं। अगर आप अर्ली स्टेज में करवाते हैं, पहले जल्दी करवाते हैं तो उसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है एंड बच्चों में अगर दांत नहीं आए हैं तो उनके जो दांत हैं वो अलाइनमेंट में आएंगे। अगर आप डिले करते हैं तो फिर जो दांत होती है वो अलाइनमेंट में नहीं आती। इस तरह के और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो गाइस ये थे आज के वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। सो गाइस तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।